हेलो एवरीवन, मैं हूँ रागिनी और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल तिशागर संसार में। फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मकई के जो दाने होते हैं जिसे भुट्टा भी कहा जाता है, उसकी रेसिपी। मैंने बनाया है मकई के कबाब, जिसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं ये। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको मेरी सारी नोटिफिकेशन बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ बड़ा बर्तन ले लिया है। ये है मकई, जिसे भुट्टा भी कहा जाता है। इसे मैंने उबाल लिया है। उबालने के बाद इसे मिक्सर ग्राइंडर में मैंने थोड़ा सा दरदरा पीस लिया है। इसका महीन पेस्ट नहीं बनाना है। इसे दरदरा पीसने के बाद मैंने इसमें डाला है 2 आलू। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू बॉईल कर लिए हैं और उसे अच्छे से मैश करके इसमें डाला है। फिर मैंने इसमें डाला है कटी हुई गाजर, जिसे बहुत ही बारीक कट किया है। कटी हुई शिमला मिर्च, इसे भी बहुत बारीक कट कर लेना है। फिर कटी हुई हमें डालना है प्याज, 1 शिमला मिर्च, 1 गाजर और 1 प्याज मैंने यहाँ पर इसमें ऐड कर दिया है। थोड़े से मकई के दाने, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक लिया, जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है और हरी मिर्च को बारीक कट कर लिया, वो इसमें ऐड कर देंगे। साथ में लाल मिर्च पाउडर, बहुत कम हल्दी पाउडर और गरम मसाला भी इसमें ऐड करेंगे। और साथ में मैं इसमें ऐड करूँ 1 बड़ा चम्मच अमचूर पाउडर। अगर आप अमचूर पाउडर नहीं ऐड कर रहे हैं तो आप 1 छोटी चम्मच चाट मसाला और नींबू का रस इसमें ऐड करें। मैंने बड़ा चम्मच अमचूर डाला है, इसलिए मैं यहाँ पर नींबू नहीं डालूँगी। और मैंने यहाँ पे डाला है बेसन, बेसन मैंने डाला है 2 बड़ी चम्मच। और यहाँ पे मैंने 4 ब्रेड क्रम्स के बूरा बना लिया है उसका, और वो मैं इसमें डाल दे रही हूँ। यहाँ पे ब्रेड क्रम्स मैंने ऐड किया है इसमें। फिर मैंने यहाँ पे 1 बड़ी चम्मच काली मिर्च कुटी हुई, दरदरी पीसी हुई, इसमें डाल दी है। काली मिर्च से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है। और यहाँ पर बारीक कट की हुई मैंने हरी धनिया के पत्ते, फ्रेश पत्ते डाल दिए हैं, जिसमें थोड़े से पुदीने के पत्ते भी ऐड है। और फिर मैंने यहाँ पे इसे थोड़ा सा मिक्स कर लिया है। मेरा बर्तन छोटा एक्चुअली पड़ रहा था तो उसे मिक्स करने नहीं हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे फिर ऐड कर दिया है नमक। और 2 चम्मच हमने यहाँ पे कॉर्नफ्लावर के ऐड किए हैं, जिससे इसकी बाइंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। और अब इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने मिक्स कर लिया है। ब्रेड क्रम्स यूज़ करने पर जो इसका एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज़र होता है वो ब्रेड सोख लेता है, तो ये बहुत ज़्यादा गीले नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम हाथों पर थोड़ा सा तेल मैंने यहाँ पर लगा लिया है। अब हम इसे सिलेंडर के जैसा बना लेंगे। आप इसे अपने मनपसंद आकार का बना सकते हैं, जैसा भी आप चाहे। आप इसे गोल बना सकते हैं, स्क्वायर बना सकते हैं, जैसा भी आप चाहे वैसा बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसे इस टाइप का बनाया है और सारे मैं ऐसे ही कबाब बना के रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने सारे कबाब रेडी कर लिए हैं बना के। साइड में मैंने एक कढ़ाई में तेल गर्म करने रखा था, तेल गर्म हो गया है। इसमें हम एक एक करके कबाब डाल देंगे। एक बार में जितने कबाब डाल पाए उतने डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर 4 कबाब ही इसमें अभी इस टाइम डाले हैं, क्योंकि थोड़े से चिपकते हैं तो इसका इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो इसे एक चम्मच की सहायता से हम थोड़ा अलग करते हुए ऐसे फ्राई कर लेंगे, ताकि ये टूटे ना। और यहाँ पे हम चलिए इसका कलर चेंज होने तक, इसका गोल्डन ब्राउन कलर होने तक इसे फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसका कलर चेंज हो गया है। लगभग मुझे 5 मिनट लगे हैं ये बनाने में। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, अपने सारे कबाब को हम बना के रेडी कर लेंगे। ये कबाब आप अपने घर पे बना के ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये कबाब। और साथ में जितने टेस्टी हैं उतने कुरकुरे भी लगते हैं। बाहर से एकदम कुरकुरे और अंदर से एकदम सॉफ्ट रहते हैं। तो बना के एक बार इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें। और इसकी मैंने यहाँ पे प्लेटिंग कर ली है। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो शेयर करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके बताएं कैसी लगी। थैंक यू, बाय बाय।